हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें ताकि आप तक लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आज हम लोग बायोलॉजी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जिसमें बायोलॉजी का आज पार्ट वन है। ध्यान देंगे, बायोलॉजी का पार्ट वन है और जिसमें हम लोग प्रथम लेसन एक्सरसाइज वन जीवों में जनन इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें और ध्यान देंगे यह क्लास लाइव चल रहा है इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस चैट से जरूर जुड़े। जुड़ने से आपको यह फायदा होगा, आपका यह क्लास एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की तरह हो जाएगा। हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम हो तो उसमें जरूर दें और अंत में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को पहले से कितने प्रश्न का उत्तर मालूम था। तो चलिए देखते हैं आज का सेट। क्वेश्चन वन कहता है, हम लोग देख रहे हैं जीवों में जनन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बायोलॉजी के प्रथम अध्याय एक्सरसाइज वन से देख रहे हैं। तो क्वेश्चन वन कहता है आम के फल में खाने वाला भाग है। सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि आम के फल में खाने वाला भाग क्या होता है। हम लोग आज बायोलॉजी से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। इसी तरह से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे 12th एग्जाम के लिए साइंस आर्ट्स ये दोनों स्ट्रीम के लिए सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न डिस्कशन के साथ देखते हैं। तो जल्दी से बताइए आम के फल में खाने वाला भाग है, क्या है आम के फल में खाने वाला भाग। सभी लोग प्रयास करें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग उत्तर देंगे, गलत होगा कोई बात नहीं, सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे आम के फल में खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति होती है। याद रखेंगे मध्य फल भित्ति, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है किसमें, समसूत्री विभाजन होता है यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और जितने भी प्रश्न है VVIA क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और जो भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं हो उसे याद कर लें। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि समसूत्री विभाजन होता है किसमें, समसूत्री विभाजन होता है क्या कायिक कोशिका में होता है, जनन कोशिका में, या कायिक कोशिका एवं जनन कोशिका दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ डीज। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग कि समसूत्री विभाजन होता है, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है, सभी लोग दें, जो नहीं दे रहे वो सभी लोग देंगे। दोस्तों प्रयास करें, गलती होगा कोई बात नहीं, उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो कायिक कोशिका में, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बिना निषेचन अर्थात विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब बिना निषेचन से फल बनेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। सभी लोग उत्तर देंगे कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को। चलिए सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत बढ़िया, प्रयास आप लोग का अच्छा है। चलिए याद रखेंगे पार्थेनोकार्पिक, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये अंग्रेजी वर्ड है दोस्तों, इसी को हिंदी में रूपांतरण किया गया है, इसे ध्यान से देखें पार्थेनोकार्पिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। जल्दी से अपना उत्तर देंगे कि किस में है आंतरिक निषेचन नहीं होता है, क्या पक्षी में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, क्या मेंढक में, या स्तनपाई में, या नन ऑफ डीज। जल्दी से इसका उत्तर देंगे कि किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे किस में
आंतरिक निषेचन नहीं होता है तो वह हो जाएगा दोस्तों मेढक। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों द्विखंडन एक प्रकार का है। द्विखंडन एक प्रकार का है, क्या है? क्या कायिक प्रवर्धन है, अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है द्विखंडन? सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़े हैं तो इसका उत्तर सही सही जरूर देंगे। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पर आपको कक्षा 1 से लेकर 12 तक की सभी बुक, चाहे हिंदी मीडियम हो अंग्रेजी मीडियम हो, दोनों मीडियम में डाउनलोड कैसे मोबाइल में करें उसके लिए विधि बताया गया है। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। आपको यह वीडियो मैट्रिक एग्जाम या इंटर एग्जाम के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्ले लिस्ट में जाकर यह वीडियो देखकर अपने मोबाइल में सभी बुक को डाउनलोड कर ले और से घर पे सेल्फ स्टडी करें। तो जल्दी से बताएं द्विखंडन है तो याद रखेंगे द्विखंडन क्या है, तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है दोस्तों? अलैंगिक जनन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन अंडज है? इनमें से कौन अंडज है? सभी लोग उत्तर देंगे कि कौन अंडज है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे ए चार ए तीनों ऑप्शन। देखिए दोस्तों क्या क्या ऑप्शन है, एकिडना, कंगारू, गाय या नन ऑफ डीज, इनमें से कौन है जो अंडज है? तो ध्यान देंगे एकिडना, एकिडना है जो अंडज है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एकिडना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, कौन है जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, दोबारा नहीं होते? क्या आम है या बांस, आम या तार, या इनमें से कोई नहीं? कौन है जो पूरे जीवन में, सोच सकते हैं दोस्तों, पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, कौन है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है और वीवीआई क्वेश्चन कि कौन पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का उत्तर सही है तो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, इसी तरह से प्रयास करते रहे। चलिए बांस, बांस है जो पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित होता है दोस्तों, इनमें से कह रहा है कि कौन है जो द्विगुणित है, टू एन, इनमें से कौन है जो द्विगुणित है? जल्दी से बताएं कि कौन द्विगुणित है, क्या प्राग या अंड या प्राग अंड दोनों या युग्मज, कौन है जो द्विगुणित है? सभी लोग उत्तर देंगे, तो चलिए इसका उत्तर बता रहे हैं कि कौन द्विगुणित है, तो याद रखेंगे युग्मज, युग्मज है जो द्विगुणित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमारा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका अपना YouTube चैनल MKLCC ग्रुप जो मैट्रिक एवं इंटर एग्जाम के लिए नंबर वन चैनल है, प्रतिदिन आप लोगों को लाइव क्लास इस चैनल पर मिल रही है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों किस फल का बीज जो चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल अर्थात जो बीज का चोल आवरण होता है उसको खाया जाता है, चोल मतलब आवरण जिसको ढका जाना, तो किस फल का बीज चोल खाया जाता है बताएं दोस्तों, किसका जो बीज का जो ऊपर रहता है उसको खाया जाता है, क्या शरीफा या लीची या जायफल या इनमें से सभी? देखते हैं दोस्तों, लीची, लीची के जो खाते हैं वो बीज के ऊपर का आवरण खाते हैं, तो इसी तरह से हिंट थोड़ा सा दिए दोस्तों, इससे समझ के आप बता सकते हैं कि किस फल का बीज चोल खाया जाता है। सही उत्तर बताएं इस प्रश्न का, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे शरीफा का भी बीज चोल खाया जाता है, लीची एवं जायफल ये तीनों के बीज चोल खाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समयुग्मकी, समयुग्मकी पाई जाती है, किसमें समयुग्मकी पाई जाती है? सभी लोग उत्तर देंगे कि समयुग्मकी पाई जाती है, क्या समयुग्मकी शैवाल में पाई जाती है, आवृत बीजी में पाई जाती है, या अनावृत बीजी में, या इनमें से सभी में, किसमें समयुग्मकी पाई जाती है?
सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे शैवाल में सम युग्मकी पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? जल्दी से बताएं दोस्तों, अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? आप समझ सकते हैं अंडप्रजक जो अंडा देने वाले हैं, तो अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है? क्या सर्प है, मगरमच्छ है, मुर्गी है, या इनमें से सभी? समझ रहे दोस्तों? अगर नहीं भी पढ़े तो अपना कॉन्सेप्ट दिमाग लगाएं तो इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है। चलिए आना शुरू हो गया आंसर दोस्तों, बहुत बढ़िया, यही आशा था। याद रखेंगे सर्प है, मगरमच्छ और मुर्गी, ये तीनों है जो अंडप्रजक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों जो भी लाइव क्लास होती है, अगर उस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ सकते हैं। उसमें प्रतिदिन के लाइव क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे और भी सहायक मटेरियल जिसमें मैट्रिक एवं इंटर के लिए उपयोगी हो वो भी मटेरियल आपको प्रतिदिन मिलते रहते हैं, इसलिए उस ग्रुप में जुड़ जाएं और लाइव क्लास के लिए 12 बजे प्रतिदिन तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? दोस्तों फल के प्रकार होते हैं, एक सत्य फल एक असत्य फल होते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नांकित में से कौन है जो सत्य फल है? क्या सेब, नाशपाती, काजू या नारियल, कौन है जो सत्य फल? तो दोस्तों इसे हम पूरा विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं कि किसे सत्य फल कहते हैं। तो देख सकते हैं हम फल एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो कहता है फल, सत्य फल के बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख रहे दोस्तों, हमें ऐसा लगा कि इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता दें। तो सुनिएगा, फल पादप का मुख्य अंग है। क्या है दोस्तों? पादप का मुख्य अंग क्या है? फल है। फल का निर्माण निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के पश्चात, ध्यान देंगे फल का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, तो फल का निर्माण निषेचन, निषेचन किसे कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जयांग के अंडाशय से होता है। याद रखेंगे फल का निर्माण कहां से होता है, तो फल का निर्माण निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन के पश्चात जयांग के अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं उससे होता है। और कहता है दोस्तों सभी पादपों में फल का निर्माण अंडाशय से होता है। याद रखेंगे जितने भी फल होते हैं सभी का निर्माण अंडाशय से होता है, तो ऐसे फलों को सत्य फल या यूकार्प कहा जाता है। याद रखेंगे जिस फल का निर्माण अंडाशय से होगा उसे क्या कहेंगे, सत्य फल या यूकार्प कहते हैं। जैसे दोस्तों याद रखेंगे आम, मक्का, अंगूर, ये सभी क्या है, सत्य फल है, ध्यान देंगे। लेकिन कुछ पादपों में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दलपुंज जिसको कैलेक्स कहते हैं, दलपुंज, कोरोला कहते हैं, पुष्पासन, ये सभी से भी फल विकसित हो जाते हैं, तो ऐसे फल को क्या कहते हैं, अभासी फल। याद रखेंगे वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय से हो उसे सत्य फल कहते हैं, और कुछ फल ऐसे हैं जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्प के अन्य हिस्सों जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन से फल विकसित होंगे, तो ऐसे फल को अभासी फल कहते हैं। जैसे में काजू हो गया, सेब, नाशपाती, लौकी और लकड़ी, ककड़ी, ये सभी फल है जो असत्य फल है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कौन सत्य फल है, सभी लोग उत्तर देंगे। अभी देख सकते हैं दोस्तों सत्य फल का उदाहरण कौन कौन है, तो आम, मक्का, अंगूर इत्यादि, और असत्य फल का है काजू, सेब, नाशपाती, लौकी, ककड़ी। तो देख सकते हैं दोस्तों काजू, सेब, काजू आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं, काजू, सेब, नाशपाती, ये सभी क्या है, असत्य फल है, और नारियल क्या है दोस्तों, सत्य फल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। आशा करती हूं कि सत्य एवं असत्य फल के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बीच बीच में दोस्तों जो प्रश्न का लगता है हमें कि इसे विस्तार पूर्वक समझाए उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुकुलन, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है और ये आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं,
कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होता है, किसमें दोस्तों, इष्ट में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग बायोलॉजी का पार्ट वन देख रहे हैं जिसमें प्रथम अध्याय से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें जीवों में जनन प्रथम अध्याय जीवों में जनन है, उससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं, और यह प्रथम लेसन का पार्ट वन है। इससे हम 4 से 5 पार्ट आप लोग के सामने लाएंगे, इसलिए यह क्लास आपको चैप्टर वाइज है, इसे ध्यानपूर्वक आप लोग देखें और अंत तक क्लास को करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, जल्दी से उत्तर देंगे, कौन है जो मिथ्या फल है, क्या सेब है मिथ्या फल, आम मिथ्या फल है, या केला, या इनमें से कोई नहीं, कौन मिथ्या फल है, सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सेब है जो मिथ्या फल है, याद रखेंगे सेब, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोलॉजी का पार्ट वन का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, किनमें द्विखंडन पाया जाता है, क्या जलकुंभी में द्विखंडन पाया जाता है, या कमल में, अमीबा में, या सर्प में, द्विखंडन किसमें होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग उत्तर देंगे, जितने भी लोग क्लास को लाइव कर रहे हैं सभी लोग उत्तर देंगे कि किनमें द्विखंडन पाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों, गलतियों का कोई बात नहीं, तो याद रखेंगे द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। तो आज कुल 15 प्रश्न देखे और यह बायोलॉजी का पार्ट वन था। इसी तरह से आपको इंटर एग्जाम के लिए सभी विषय से, चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, सभी विषय से हम प्रतिदिन एक वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, एक क्लास लाने का प्रयास करते हैं, और याद रखेंगे प्रतिदिन शाम 7 बजे मैट्रिक एग्जाम के लिए भी लाइव क्लास होती है, इसलिए चैनल से जरूर जुड़े और दोस्तों को भी बताएं। तो कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।